स्वागत है दोस्तों आप सभी का ईशा लाइफस्टाइल चैनल पे। और आज बनाते हैं साउथ इंडियन थाली। तो साउथ इंडियन थाली में है इडली, दाल वड़ा, उत्पम और है रसम। तो चलो जल्दी से बनाते हैं ये सब सामान। रसम बनाने के लिए लेंगे 2 टीस्पून मूंग की दाल, साथ में लेंगे 4 टीस्पून सांभर की दाल। इसको अच्छी तरह से कर लेंगे वॉश। कुकर के अंदर डालेंगे 4 कटोरी पानी और धुली हुई दाल डाल देंगे कुकर के अंदर। उसी के साथ डालेंगे सॉल्ट, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। मैंने डाला था 1 टीस्पून सॉल्ट। साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। अब 4 विसल्स तक इसको पकाएंगे। अब तड़का लगाने के लिए 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल को करेंगे हीट। उसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून डालेंगे राई, अ पिंच ऑफ अनियन सीड्स डालेंगे इसके अंदर। साथ में इसके अंदर 1 चुटकी डालेंगे अजवाइन, 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1 करी लीव्स डालेंगे, 1 roughly sliced प्याज वो भी डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। अब सभी को पकाएंगे। प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। इसके अंदर 1 चुटकी डालेंगे हींग की। अब प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट, मैंने डाला था 1 टीस्पून सॉल्ट, आपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/7 इसके डालेंगे 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 4 टीस्पून रसम मसाला, 2 टमाटरों की फ्रेश प्यूरी डालेंगे। उसको तब तक पकाएंगे जब तक ये अपना ऑयल नहीं रिलीज कर देता। अब ऑयल भी अच्छी तरह से रिलीज हो चुका है तो इसके अंदर बॉयल करी हुई डाल देंगे। मैंने इसके अंदर बॉयल करी हुई दाल का पानी डाल दिया है। अब जो दाल है उसको भी अच्छी तरह से मैश करके बची हुई जो है उसको डाल देंगे और उसको आने देंगे बॉयल। जब इसके अब इसके अंदर डालेंगे 1 टुकड़ा गुड़ का और जो इमली का पानी था वो भी डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव्स के साथ। रसम है रेडी। अब बनाते हैं इडली। तो इडली बनाने के लिए मैंने लिया 2 कटोरी सूजी की। 2 कटोरी सूजी डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला था 1 कटोरी दही, 1 कटोरी दूध। इसको मैंने अच्छी तरह से मिला लिया। अभी बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो थिक है तो इसके अंदर मैंने डाला था 1 कटोरी पानी। जिस कटोरी से मैंने सूजी डाली थी उसी कटोरी से मैंने दही, दूध और पानी डाला। अब इसको करेंगे मिक्स और बैटर को कर देंगे रेस्ट पे 1/2 घंटे के लिए। अब इसके अंदर डालेंगे 2 इनो के सैशे। अब इसको एक ही डायरेक्शन के अंदर मिक्स करेंगे और इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। अब इडली मोल्ड को ग्रीस कर देंगे ऑयल से, कुकिंग ऑयल से, और बैटर डाल देंगे इडली मोल्ड के अंदर। जब तक मैं इडली मोल्ड के अंदर बैटर डाल रही हूँ तब तक मैंने इडली के सांचे को गर्म करने के लिए रख दिया पानी डाल के 1 ग्लास और वो हो रहा है हीट। पंद्रह मिनट पकाने के बाद
सूजी की इडली है रेडी। स्पॉन्जी और जालीदार सूजी की इडली है रेडी। सूजी उत्पम बनाने के लिए पहले मैंने हॉट करा था तवा, उस पर कुकिंग ऑयल को करेंगे ग्रीस और 4 टीस्पून सूजी के अंदर 4 टीस्पून वाटर डाल के उसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट पर रख के जो बैटर बन गया उसको हॉट तवे के ऊपर डाल देंगे। उसके ऊपर डालेंगे चॉप्ड अनियन, फिर उसके ऊपर डालेंगे चॉप्ड कैरेट और फिर उसके ऊपर डालेंगे कटा हुआ धनिया। इसको एक साइड से पकाएंगे और उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे रेड चिली और फिर उसको करेंगे फ्लिप और सूजी अप्पम है रेडी। अब दाल वड़ा बनाने के लिए बॉईल करेंगे चना दाल 4 विसल्स तक और एक मिक्सी ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करेंगे इसको। इसको करेंगे कोर्स ग्राइंड। इसके अंदर डालेंगे 2 हरी मिर्चें और जो दरदरी पिसी हुई दाल है उसको निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। अब इसके अंदर डालेंगे 1/4 कटोरी चावल का आटा, 1/4 कटोरी सूजी और एक रफली चॉप्ड प्याज भी डाल देंगे इसके अंदर। उसी के साथ इसके अंदर रफली चॉप्ड डालेंगे धनिया, ग्रेट करा हुआ जिंजर और 1 पिंच डालेंगे हींग की और 1 कटोरी जो मैंने बचा के रखी थी दाल बॉईल करी हुई चना की वो भी इसके अंदर डाल देंगे। सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैंने डाला था 1 टीस्पून सॉल्ट और डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे इसके अंदर। इसके अंदर 1 चुटकी डालेंगे अजवाइन की और इन सब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको एक आटा गूंद लेंगे, जैसे इसका आटा जैसा गूंद लेंगे इसको। और इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है और दाल का पानी भी मैंने निकाल दिया था। आप उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे पराठे बनाने के लिए। अब इसको डो का फॉर्म दे देंगे और ये सॉफ्ट डो है। डो को देंगे रेस्ट अबाउट 15 मिनट्स, तो इसको कवर करके रख देंगे। 15 मिनट्स के बाद इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ गोल शेप की और मीडियम टू हॉट कुकिंग ऑयल के अंदर इसको करेंगे डीप फ्राई और ये दाल वड़ा भी रेडी है। क्रिस्पी करारा दाल वड़ा रेडी है। अगर आपको ये रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ईशा लाइफ स्टाइल चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन, यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड डू लाइक इफ यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मेनी मोर टू कम।